कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और वेलकम टू माय चैनल, स्वागत है आपका सबका। और आज का दिन है मंगलवार का, और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। माता कुष्मांडा की पूजा है आज, तो हमारे जो पड़ोसी हैं उनके देखे जाएंगे, वो बुलाए हैं कि पूजा में आया करो, तो देखेंगे जाएंगे। और फिर यहाँ पर देखिए, मैंने कपड़े इतने सारे धोए हैं आज। मैं सुबह से व्लॉग स्टार्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि पानी आज चला गया था जल्दी ही, क्योंकि वो मकान वाले दीदी है ना, वो भूल गए थे, नल खुला छोड़ गए थे, तो उनकी वो बाय मिस्टेक छूट गया था खुला। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कपड़े वपड़े धोए, देखिए 3 बजे के करीब मैंने यहाँ पर कपड़े धोए थे। ये देखिए कितने सारे कपड़े हैं, और ये तो कम है, मैंने 2 बेडशीट अलग रख दी है क्योंकि कल धोऊंगी मैं उनको। और पानी इतना ही आ रहा नहीं था। अभी अभी दीदी ने चलाई है मोटर, तो अब पानी आएगा खूब। और मैं आ जाइए, मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने दाल भिगा के रखी हुई है, मूंग दाल और चने की दाल भिगाई है, तो वो बना लेंगे अभी। और पालक लाई हूँ, दाल पालक की सब्जी बना लेंगे। ये देखिए पालक ये लाई थी मैं, हरा हरा पालक है, अच्छा है, तो इसकी सब्जी बना लेंगे। और यहाँ पर देखिए मूंग दाल भिगा रखी है, ये देखिए मूंग दाल और चना दाल दोनों भिगा रखी है मैंने, तो इसकी दाल बना लेंगे अभी। और आटा यहाँ पर मैं लगा लूँगी, अभी मैंने लगाया नहीं, आटा गूंथा नहीं है। सोमेश देखते हैं क्या कर रहा है, सोमेश क्या कर रहा है। और ये बेडशीट मैंने चेंज कर दिया फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों बेडशीट्स गंदी हो गई थी, ये अच्छी है, ये धुली हुई है, और यहाँ पर मैंने बिछा दी है इसको। कैसी लग रही है ये भी, मैंने ऑफलाइन लाई थी, वैसे अच्छी बेडशीट लगती, सबसे अच्छी लगती है ये बेडशीट मुझे। और यहाँ तकिया के कवर, ये तकिया के कवर जो है ना, कल इनको धोना है मुझे। तो फ्रेंड्स, एक एक दो दो कपड़े धोएंगे तभी तो होगा, और फिर मतलब जो दीपावली की सफाई वगैरह वो आ जाएंगी, तो दीपावली की सफाई भी करनी है, उससे पहले पहले कपड़े धो लेते हैं नवरात्रों में। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है करना, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थोड़ी सी मेहनत आपको लगे कि थोड़ी मेहनत कर रही है लड़की, तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना फ्रेंड्स। तो चलते हैं अपने किचन में लेडीज़। तो फ्रेंड्स, लेडीज़ को ये काम अच्छा भी लगता है, बुरा नहीं लगता है, करते हैं अच्छे से, मन से करते हैं, तो सबको इस चीज़ को लाइक करना चाहिए कि नहीं, हाउसवाइफ होती है वो ऐसे ही टाइम पास नहीं करती है, बहुत अच्छा अच्छा काम करती हैं, घर का काम करती है। ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है आदमियों के लिए, जेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट ये ऐसे हो जाता है, मैंने देखा है। जब भी मैं बीमार पड़ती हूँ, मेरे हस्बैंड है ना, वो उनसे काम नहीं हो पाता है, वो थोड़ी मैं बोलती हूँ कि मैं आज मेरा सिर दुख रहा है, तो क्या ही बोलते हैं कि 2-3 मिनट तो ऐसे सोचने में लगा देते हैं कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फिर बच्चे तैयार होते हैं, वो करते हैं, पापा मैं हम लोग कर लेंगे, ऐसे करते करते फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, तो मुझे हंसी भी आती है, और ये लगता है कि वास्तव मतलब लेडीज़ ज़्यादा अच्छे से कर सकती है सारा काम, बाहर का भी कर लेती हैं, ऐसी बात नहीं है, जॉब वगैरह भी करती है, मैं नहीं करती तो क्या। और सब जैसे हमारी दीदी हैं मकान वाली, वो जॉब भी करती है, घर का काम भी करती है। और यहाँ देखे बातें करते करते सुमेश के पापा भी आ गए हैं इधर, ये देखिए, हेलो जी, राम राम जी। ये देखिए आ चुके हैं फ्रेंड्स, ये देखिए टंकी को चेक करेंगे आते ही, टंकी का इसको इनको बहुत ऐसे बर्डन रहता है कि टंकी इनको भरी हुई होनी चाहिए, टंकी मतलब खाली नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। जब भी सुबह जाते हैं तो टंकी का इनको पहले ख्याल रहता है, ऊपर जाके टंकी को चेक करते हैं, टंकी भरी हुई है नहीं है, तुझे पानी चाहिएगा कपड़ों के लिए बर्तनों के लिए,
तो इनको वैसे चिंता बहुत रहती है। तो कह सकते हैं कि ही इज़ ए केयरिंग हस्बैंड, तो मुझे बहुत अच्छे पति मिले हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपके जो भी लेडीज़ मुझे देख रही हैं, आपके पति भी आपकी हेल्प करते होंगे, अच्छे होंगे। पर वही मेरे हस्बैंड भी अच्छे हैं, मैं उनकी ये नहीं बोलूँगी। तो यह देखिए मौसम बहुत अच्छा हो रखा है फ्रेंड्स। बना लेती हूँ जल्दी से चाय, क्योंकि ये आ चुके हैं, इनके लिए पहले चाय बनाऊँगी, उसके बाद में दाल सब्जी जो भी है रोटी सब बनाऊँगी। उतनी देर में तेजू आ जाएगी, तो मिलते हैं। तो जी मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में और चाय बना रही हूँ। तो पानी मैंने चढ़ा दिया है चाय का, देखिए चाय पत्ती डाल देती है इसमें। आज मैंने प्रॉपर तरीके से चाय बनाऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि कई दिन हो गए मैं ऐसे ही दूध में पत्ती डालती हूँ चाय की। तो आज पानी में वो मतलब पानी के अंदर दूध सॉरी मतलब पहले पानी डालूंगी, उसके बाद में चाय पत्ती ऐसे और फिर दूध फिर अदरक ऐसे डालूंगी। आज प्रॉपर तरीके से बनाएंगे आज। ये देखिए पानी जब उबलने लग जाएगा चाय का, तब इसमें दूध डालेंगे अच्छे से, जैसे मेरी मम्मी बनाती है फ्रेंड्स, ऐसे ही बनाती है मेरी मम्मी। और इतनी टेस्टी वो चाय लगती है ना फ्रेंड्स, क्या पता माँ के हाथ की लगती होगी, पर अच्छी लगती है मम्मी के हाथ की चाय। और वो बार बार में यही बोलती है, लो बेटा चाय बना दूँ, लो बेटा चाय बना दूँ। और उसके हाथ की चाय की सुगंध ही अलग है। ये देखिए मैंने चाय में दूध ऐड कर दिया है, इतना काफ़ी होगा, क्योंकि थोड़ी सी चाय मैं भी पी लूँगी, सोमेश तो नहीं पिएगा अभी। वैसे भी अब सर्दियाँ आ गई है, तो चाय के लिए कोई मना ही नहीं करेगा फ्रेंड्स। ये देखिए अदरक कूट लेती हूँ मैं यहाँ पर। जब भी जितनी बार भी सबको चाय दो, चाय हाँ ले आइए ऐसे ही बोलते हैं सब। और अभी सर्दियाँ शुरू भी नहीं हुई फ्रेंड्स, और तेजू को जुकाम लग गई है। तो जी मैं यहाँ अदरक का टुकड़ा मैंने ले लिया है, और ये देखिए 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और इलायची इसमें से ले लेंगे। ये देखिए इलायची डाल दी है मैंने। अदरक इलायची का जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत अच्छा लगता है चाय के अंदर। और थोड़ी सी मेरी मम्मी थोड़ी सी वो लौंग डालती है, उसका टेस्ट तो अलग ही आता है, तो वो भी डाल के बनाती हूँ मैं। जैसे मेरी मम्मा बनाती है वैसे ही मैं बनाती हूँ। ये देखिए चाय उतर चुकी है अभी, तो इसको लो सिम पे थोड़ा पकने देते हैं चाय को। और यहाँ मैं कूट लेती हूँ मेरी अदरक वदरक। ये देखिए इस दाल को धोना है अभी मुझे, यहाँ थोड़ा अंधेरा सा लग रहा होगा फ्रेंड्स, क्योंकि बाहर अंधेरा हो चुका है। ये देखिए खिड़की में से आपको दिखाती हूँ, अंधेरा अभी होने वाला है। ये देखिए मौसम आज बहुत अच्छा हो रखा था फ्रेंड्स। ये देखिए अभी अदरक कूट लेती हूँ मैं। तो यहाँ मैंने अदरक कूटी हुई इसमें डाल देती हूँ, ये देखिए। और चाय में चीनी भी डाल देती हूँ। और चाय बनकर तैयार है, रेडी है। वैसे सबको चाय बनानी आती है फ्रेंड्स, पर आपको ये थोड़ा सा बता रही हूँ कि मैं आज मेरी जो मम्मा है, मेरी मम्मी सॉरी मम्मी है ना, वो इस तरीके से चाय बनाती है, तो बहुत टेस्टी लगती है। तो इस तरीके से चाय मैं बनाई हूँ आज। ये देखिए और फ्रेंड्स मैं ये सोच रही थी कि
एक दिन मैं कुल्हड़ वाली चाय बना के ट्राई करूंगी, देखिए मेरे को आती है और कैसी लगती है टेस्ट। मैंने अभी तक नहीं पी है कुल्हड़ वाली चाय, तो देखेंगे कभी बना के, और आपके साथ जरूर शेयर करूंगी मैं ये। कि देखिए अपनी ये चाय बन चुकी है नॉर्मल वाली। तो फ्रेंड चाय बन चुकी है और दे के आते हैं सोमेश के पप्पा को। ये देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, ले लो जी चाय ले लो। हाँ कप में ग्लास में ठंडे कर कर करके। तो सोमेश लग चुका है अपनी पढ़ाई में, ये देखिए, और अंधेरा हो चुका है। तो ये देखिए अंधेरा हो ही चुका है, हमारे यहाँ लाइट वाइट जल गई है सब। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं किचन में, थोड़ी चाय तो मैं पी लेती हूँ, उसके बाद में किचन में चलते हैं। तो जी यहाँ बैठ जाओ, चावल ले लो। हाँ तेजू ये देखिए कैसे बैठी बैठी चाय पी रही है मैडम। तेजुड़ा देखो। हेलो गाइस बोलो। हेलो गाइस। दांत दिखाते रहे। अरे गाइस आज मैं ना हाँ चाय दूध नहीं पी, मैं अच्छा मम्मी की चाय पी ली और मम्मी मेरी चाय दूध पी ली। अच्छा तो गाइस देखिए मेरी मम्मा भी आटा लगा रही है। मम्मा स्माइल। ये मम्मा, ये बहुत क्यूट है। हमारा ट्राइपॉड टूट चुका है पूरे तरीके से, आपको इसका बाकी का पार्ट भी दिखाता हूँ। ये देखो गाइस इसका मम्मी यहाँ जो है दाल पालक बना रही है, देख सकते हो। तेजू क्या कर रहे हैं? और बर्तन धो रही हम, बर्तन धो लिए मम्मी ने बर्तन। तो जी प्याज मैंने यहाँ कट कर लिए हैं और गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है मैंने। चेक कर लेते हैं दाल को, देखिए क्या हाल चाल है इसके। ये देखिए दाल हमारी बन चुकी है, तो इसको थोड़ा सा और थोड़ा पकाएंगे क्योंकि इसमें ऐड करेंगे अभी अपन ये थोड़ी मेरे को कड़क लग रही है दाल कड़क और इसकी ठीक लग रही है मुझे ये। अभी इसको थोड़ा सा ऐसे हिला के थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं जब कम लगे तो। इसमें थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे फ्रेंड्स, ये देखिए और डाल दिया मैंने थोड़ा सा। तो रात को दाल ऐसी पतली पतली ही अच्छी लगती है। इसमें हम लोग करने वाले हैं थोड़ा सा पानी और ऐड। ये देखिए अब अपनी दाल अच्छी हो गई, ये देखिए। ये देखिए दाल कंसिस्टेंसी देख लीजिए आप इसकी अच्छी हो गई। टमाटर काट के रखे हैं और प्याज और ये पालक इसमें डाल देंगे, जब ये थोड़ी पक जाएगी ना तब डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे। तो करें सुरेश
तो जी मैंने ये देखो यहाँ फ्राई पैन यहाँ रख दिया और इसमें तेल डालती हूँ थोड़ा सा। जब तक हमारी दाल इधर पक रही है उतनी देर में इसका छौंक तैयार कर लेते हैं। ये देखिए मैंने तेल ऐड कर लिया इसमें, इतना काफ़ी होगा फ्रेंड्स। ये देखिए तेल इसमें डाल दिया है। तो फ्रेंड्स ये दाल इसमें थोड़ा सा उबाल आ गया है तो इसमें ऐड करते थे करते हैं ये वाला पालक। ये देखिए मैंने दो तीन बार अच्छे से वॉश कर लिया था इसको, अच्छे से धोया था। ये देखिए रगड़ रगड़ के अच्छे से इसको धो लिया था मैंने। अब देखिए इसमें बिल्कुल भी मिट्टी वगैरह कुछ नहीं है और इसको ऐसे और पानी मैंने इसमें साफ पानी इसमें डाल दिया था और इसको इसमें दाल में ऐड कर देते हैं। दाल में इसको डाल देते हैं। यहाँ मैंने तेल चढ़ाया हुआ है, इसमें जीरा डालूंगी भी, पहले इसका काम हो जाए इसके बाद में दूसरा काम करेंगे। तब तक ये दाल पक जाएगी, उधर मेरा छौंक मैं बना लूँगी इसका तड़के के लिए। तो ऊपर से तड़का लगाते हैं तो अच्छा लगता है इसमें। जब पहले डाल देंगे तो थोड़ा फ्लेवर उसका कम आएगा, जैसे प्याज हरी मिर्ची ये सब इनका फ्लेवर नहीं आएगा उसमें। तो फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा ढक के पका लेंगे। ये देखिए इसमें ऐसे ही ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं और इधर हमारा ऑयल गर्म हो चुका है तो ये ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मुझे, इसमें से थोड़ा सा ऑयल निकाल लूँगी मैं, इससे तो नहीं निकलेगा। ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा फिर। इसमें जीरा डाल देती हूँ। ये देखिए जीरा हमारा चटकने लग गया है और इसमें सबसे पहले डालेंगे लहसुन। यहाँ पर मैंने ये हरा धनिया भी काट के रखा हुआ है, ये देखिए पानी में डाला हुआ है। और अब मैं डाल दूँगी लहसुन की कली। ये देखिए लहसुन की कलियाँ मैंने यहाँ काट के रखी हुई है तो ये भी ऐड कर देते हैं इसमें सबसे पहले। और अब इसमें जाएगा प्याज और हरी मिर्च, क्योंकि लहसुन ज़्यादा ब्राउन हो जाता है तो फिर वो टेस्ट अच्छा नहीं लगता उसका। ये फ्राई पैन का ये फायदा रहता है मेरे पैन के, देखिए है ये डाल देते हैं। थोड़ी सी चुटकी भर हींग डाल देते हैं और थोड़ी सी चुटकी भर इसमें हल्दी पाउडर डाल देते हैं और एक चम्मच भर के इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं। ये देखिए तेजू के लिए अलग रख लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि तेजू इतनी मिर्ची खाती नहीं है तो इनको अच्छे से मिला लेते हैं। और इसके लास्ट में इसमें डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला। ये देखिए यहाँ पर मैंने रखा हुआ है, ज़्यादा तो इनको पसंद नहीं है, तेजू को भी नहीं है, सोमेश के पापा को भी नहीं है, सोमेश को भी नहीं है, सोमेश को और मेरे को अच्छा लगता है वैसे, पर ये ज़्यादा नहीं डालूंगी थोड़ा सा ज़्यादा। और मैंने इन्ग्रीडियंट्स जो है ना ये थोड़ी सी हींग डाल देते हैं, हींग का फ्लेवर अच्छा आएगा फ्रेंड्स इसमें। मेनली पालक में ये लहसुन और का ही फ्लेवर अच्छा लगता है, पालक जो दाल पालक बनती है ना इसमें। तो यहाँ मसाला अच्छे से पक रहा है, इधर हमारी दाल देखिए तो
इसको कर देते हैं बंद क्योंकि पालक पक चुका है और नहीं ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखिए चेक कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। मसाला अच्छे से भून रहा है यहाँ पर और जब मसाला अच्छे से भूनता है ना तो सब्जी का टेस्ट अलग आ जाता है, मस्त लगता है, अच्छा लगता है। ये देखिए अच्छा लग रहा है ना दिखने में। और इसमें ऐड कर देंगे ये वाला हरा धनिया तो और भी इसका टेस्ट अच्छा आ जाएगा। अभी डाल देते हैं इसको, लास्ट में नहीं डालूँगी क्योंकि तेल में पकने देते हैं थोड़ा सा इसको, हरे धनिए को तेल में पक जाएगा तो अच्छा लगेगा फ्लेवर्स को। और इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे फ्रेंड्स, अभी मैं बंद कर दूँगी गैस की फ्लेम। ये देखिए मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। और अपना ये छौंक एकदम रेडी है तो डाल देते हैं इसके दाल के अंदर। ये ऐसा लगता है जैसे इसी सब्जी को खा लेते हैं, दिखने में बहुत अच्छी लग रही है। तो ये इसमें डाल देंगे फ्रेंड्स। यहाँ थोड़ा अंधेरा लग रहा होगा, लाइट की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। इसमें ऐड कर दिए है, ये मसाला ऐड कर दिया है। तो फ्रेंड्स मैंने रोटी सब्जी बना ली है। ये देखिए यहाँ पर दाल और ये सोमेश के पापा के लिए मैंने यहाँ थाली लगा दी है। ये देखिए दाल दिखने में कितनी अच्छी लग रही है। ये देखिए दाल और पालक की सब्जी, दाल है मतलब पालक वाली। ये देखिए सलाद है यहाँ पर, थोड़ा सा अचार रख दिया, नींबू। और ये चटनी मेरी सुबह की बनाई हुई है, लाल चटनी। अभी रोटियाँ मैंने सेकनी है, रोटी सेक लूँगी मैं। देखिए तो जी अपनी थाली लग चुकी है, दे आते हैं सोमेश के पापा को खाना। ये देखिए अभी वेट कर रहे हैं, भूख लग रही है इनको। तो ये देखिए बन चुकी है, आप भी आ जाइए खा लीजिए। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स चैनल को। बाय बाय, तब तक के लिए।